हाय एवरीवन, मैं अंजनी कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की वीडियो में सिविल इंजीनियर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल जूनियर इंजीनियर, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स के लिए ये जो जॉब है आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑर्गेनाइज की जा रही है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए 48 पोस्ट है। ओके, सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 30,000 to 1,10,000, यानी कि इस पोस्ट के लिए जो आपकी मिनिमम पेमेंट होगी वो 30,000 होगी। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बीई या फिर बीटेक होना चाहिए, तभी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। एज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम 21 ईयर आपका होना चाहिए, यानी कि 21 ईयर से आपकी एज एक दिन कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 38 ईयर, यानी कि 38 ईयर से आपकी जो एज है एक दिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे एसटीएससी और ओबीसी के लिए छूट दी गई है कि एससीएससी की मैक्सिमम एज जो है वो 43 ईयर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड नंबर जॉब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर सिविल। टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो 307 पोस्ट है। सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 14,000 to 49,000। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, यानी कि जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए आपकी जो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी 3 ईयर का। एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, यानी कि 21 ईयर से आपकी एज एक दिन कम नहीं होनी चाहिए। और जर्नल के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर होनी चाहिए। और एसटीएससी के लिए मैक्सिमम एज 43 ईयर होनी चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 41 ईयर होनी चाहिए। अब अप्लाई की बात करें तो इस जॉब को आप कैसे अप्लाई करोगे, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे एक वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, www.apsc.nic.in। इस वेबसाइट पर जाके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 21/12/2019, यानी कि 21 दिसंबर इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। ओके, और एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जर्नल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये पे करने होंगे, एसटीएससी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 150 रुपये पे करने होंगे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक न्यू जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।